केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पंजाब में सफेद मक्खी से प्रभावित कपास की फसलों का जायजा लेने के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है। ये टीम आज अबोहर का दौरा करेगी, प्रभावित फसलों का जायजा लेगी और अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की तरफ से पंजाब में सफेद मक्खी से प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए एक टीम का गठन किया गया है। ये टीम अगले 2 दिन तक पंजाब के इलाकों का दौरा करेगी, मानसा, बठिंडा, फाजिलका, अबोहर, जहां पर सफ़ेद मक्खी से सबसे ज़्यादा फसलें प्रभावित हुई हैं वहां पर ये टीम जाएगी और वहां पर दौरा करेगी कि किस तरह से सफ़ेद मक्खी के प्रभाव से बचा जा सके। आपको बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइज़र SN सुशील की अध्यक्षता में 5 मेंबरी टीम बनाई गई है जो अगले 2 दिन तक पंजाब के इलाकों का दौरा करेगी और केंद्रीय मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेगी ताकि सफ़ेद मक्खी के प्रकोप से बचा जा सके। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली।